हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं विनीता राणा सिद्धपीठ कालीमठ से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में अपनी दुकान से स्टार्टिंग कर रही हूँ और आजकल आप सोच रहे होंगे वीडियो नहीं बना रही है, तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगी, वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि आजकल जब से केदारनाथी का पार्क खुलते हैं तब से यहाँ पर भी यात्रा बहुत अच्छी से चलती है और मेरी ये छोटी सी शॉप है तो मैं हमेशा यहाँ पर शॉप पर बैठी रहती हूँ। मैं चाहती तो आपको डेली यहाँ पर बैठ के वीडियो बना के भेज सकती हूँ, पर आप रोज़ रोज़ इस दुकान पे बैठ बैठ के वीडियो बनाना आप बोर हो जाएंगे कि क्या वीडियो बना रही है, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ। तो मैं दो महीने थोड़ा मेरी वीडियो देर देर से आएंगे, तो आप लोगों से मैं क्षमा चाहूँगी और आगे मैं वीडियो कंटिन्यू डालूँगी। तो अभी आपके आज के लिए जय माँ काली। तो अभी शाम का मौसम हो गया है, अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ओले भी गिर रहे हैं। तो केदारनाथ में क्या हाल है पता नहीं, कैसे वहाँ पर लोग जा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बारिश लग रही है यहाँ देखो और ओले भी गिर रहे हैं। तो हमारा आपको बताना चाहूँगी क्योंकि आप मेरे YouTube फैमिली हो, तो आप मेरे को अगर कंटिन्यू देखते होंगे तो आप मेरे वीडियो में बहुत बार एक कुत्ते को देखते होंगे जिसको हम बच्चा बच्चा बोलते थे, तो आजकल कुछ दिन बाद वो बीमार होकर मर गया था कुत्ता हमारा उसका, और बहुत बच्चे बहुत रोए और उसको हमने बहुत ज़्यादा इलाज भी किया उसका, पर वो नहीं बच पाया क्योंकि आजकल शायद कुत्तों की बीमारी चल रही थी। तो उसके बाद हमको एक छोटा सा कुत्ते बच्चे की शक्ल का एक छोटा सा कुत्ता मिला और हमने उसको ले लिया है अभी, तो आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो हमको मिल गया एक छोटा सा बच्चा यहाँ जंगल के बीच में सड़क में लावारिस पड़ा हुआ, अब इसको हम अपने घर ले जाएंगे, बच्चे की कमी पूरी होगी क्योंकि बच्चे ने हमारा साथ छोड़ दिया। इसको हम इसका नाम भी हम बच्चा रखेंगे, है ना। और ये है डॉन। इसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, ये हमारे पीछे यहाँ भी आ गया जंगल। हम जा रहे हैं आज लंगड़ों के लिए, अब पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। थैला तो सोनी से थैला दिखा, थैला इतना बड़ा ला रखा है, इतने बड़े थैले में इतने भी होंगे तो बहुत है। पर ये हमारा आजा आजा बच्चा आजा। Oh my God, it's दोस्तों देखो ये यहाँ पे इतना मोटा सांप आया होगा, तो हम आ रखे थे लंगड़ों के लिए और हमको ये देखो सांप की का चल दी गई अचानक। तो एक दिन हम लंगड़ों के लिए गए वहाँ हमको सांप मिला, आज हम लंगड़ों के लिए आए तो हमको ये सांप की कहाँ चल, मतलब सांप का अपना शरीर की खाल को छोड़ता है तो ऐसे इसको सांप की कहाँ चल बोलते हैं इसको। ये देखो इतना मोटा सांप है, इसकी जो चौड़ाई आप देख रहे होंगे इतनी चौड़ाई, तो इसका मतलब इतना बड़ा नाग है इसके अंदर यहाँ। तो यहाँ जो पत्थर हैं यहाँ अंदर, यहाँ बहुत खतरनाक हो सकता है, यहाँ अंदर सांप हो सकता है। और बच्चा भी देखो भाग भाग के आ रहा है, कुत्तों को पहले ही बल खुशबू आ जाती है सांप की। तो अब लग रहा है हमको लंगड़े निकालने में भी बहुत तकलीफ होगी, परेशानी होगी। तो
अच्छा आओ कह रहा मैं आ जाना इस एडिटिंग में काटना ठीक है ये मो भैया ये मैं देख लेंगे अरे अरे इस वन दी ओवल यार और चिंता हूँ तो ये है चीड़ से घिरी हुई इसको छंती बोलते हैं यहाँ पे और इसके अंदर एक बादाम के जैसे टुकड़ा होता है बादाम का जैसे उसको खाने के लिए भी होता है उसको पकाते हैं उसके अंदर से निकलते हैं ये अभी तो ये सूख गए हैं अभी ये पेड़ में फिर अब लगेंगे तो उसके बाद इसको लोग पहले जंगलों में पकाते थे और उसको खाते थे तो उसका स्वाद थोड़ा थोड़ा अखरोट के जैसे भी आता था और इसको कलर करके बहुत सुंदर खूबसूरत रूम में सजाने के लिए भी आता है ये तो लेंगड़े तो हमको बिल्कुल मिले नहीं है यही ले जा रहे हैं घर थोड़ा सा मतलब मेरे लिए तो हो जाएगा ये सब मेरा मुंह देखेंगे और कम से कम हमको एक बच्चा तो मिला कम से कम हमको बच्चा मिला है बच्चे बहुत खुश हो रहे मुझे इसको देख के ये मेरे साथ पूरा जंगल हमारे साथ घूमा और अभी हमारे साथ घर आने के लिए भी तैयार है तो कम से कम हमको ये बच्चे के रूप में बच्चे का छोटा सा बच्चा हमको मिल गया है आज बहुत बहुत दयालु लग रहा मुझे ये जहां मैं जा रही थी वहां वो मेरे पीछे आ रहा था